हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैक्टोटेल कैप्सूल के बारे में। ये मैक्लोड्स फार्मा का उत्पाद है और प्राइस की बात करें तो 180 रुपये है पर 10 कैप्सूल। तो आइए दोस्तों जानते हैं मैक्टोटेल कैप्सूल किस प्रकार से हमारी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव है, इसको ली जाने वाली डोज क्या है और साथ ही जानेंगे इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इस कैप्सूल में मौजूद इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन, एमिनो एसिड और एंटी ऑक्सीडेंट है। दोस्तों ये सप्लीमेंट के रूप में एक बेहतरीन हेल्थ टॉनिक है। ये कैप्सूल शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। मैक्टोटेल कैप्सूल आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे कि बार बार बीमार होने का खतरा कम रहता है। दोस्तों ये कैप्सूल थकान कमजोरी को दूर करके आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। ये कैप्सूल संपूर्ण मानसिक विकास में सहायक है, इसलिए ब्रेन फंक्शन के लिए भी अच्छा है। ये कैप्सूल हृदय संबंधी समस्याओं के खतरे को कम करता है, वजन को संतुलित रखता है और स्किन और बालों के लिए भी अच्छा है। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में जैसा हमारा खान पान है उसमें प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाते, विशेष करके मिनरल और विटामिन, इसलिए बालों के झड़ने और सफ़ेद होने की समस्या भी हो जाती है। तो ये सप्लीमेंट आपकी स्किन और बालों को पोषण देता है और संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। और दोस्तों ये आपके वजन को भी संतुलित रखता है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं मैक्टोटेल कैप्सूल की डोज के बारे में। दोस्तों इस कैप्सूल को 24 घंटे में एक बार लेना है खाना खाने के बाद में, जिसे आप सुबह के नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। इसको लेने से आपको 10 से 15 दिन बाद ही फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस सप्लीमेंट को कब तक लेना है इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और दोस्तों अगर आप पहले से ही कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो फिर आप इसको नहीं लें। प्रेगनेंसी में भी आप इस सप्लीमेंट को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैक्टोटेल कैप्सूल से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इस कैप्सूल को लेने से कुछ दिन तक भूख में कमी और मूड में परिवर्तन की समस्या हो सकती है और कुछ मामलों में स्किन संबंधी समस्या भी हो सकती है। वैसे दोस्तों सप्लीमेंट से होने वाले साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम लोगों में ही देखे जाते हैं, हर किसी को नहीं होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।